वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेगाबाइट। बात है 2 साल पहले की। मुझे कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़नी थी तो मैंने मैकबुक प्रो खरीदा था। मैकबुक की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर भी बहुत खास है। मैकबुक में डिफॉल्ट आई मूवी नाम से एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है। बेसिक वीडियो एडिटिंग करने के लिए ये परफेक्ट था। 2 साल पहले तक मुझे वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, जीरो, और मुझे सीखने का बहुत मन था। तो हुआ ऐसा कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था तो हम सारे फ्रेंड्स ने मिलकर उसको सरप्राइज देने के लिए एक प्लान बनाया कि हम सब लोग छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाएंगे और सबको एक साथ कंबाइन करके उसको प्रेजेंट करेंगे। उस वीडियो में हमने बहुत सारे लोगों की क्लिप्स कलेक्ट की। ये सब हमने 1 महीने पहले ही करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने वीडियो का एक थीम बनाया कि किसका वीडियो पहले आएगा और किसका बाद में। फिर बात आई वीडियो एडिटिंग की। पहले तो लगा कि काम आसान होगा, सारी क्लिप्स को जोड़ना ही तो है, लेकिन उनको सिंपली जोड़ने के बाद जो बना उसमें मज़ा नहीं आया। कुछ वीडियोस में ऑडियो काफ़ी लाउड था, कुछ में काफ़ी कम था, किसी में नॉइज़ आ रहा था, किसी ने पोर्ट्रेट में बना के वीडियो भेजा था तो किसी ने लैंडस्केप में। तो फिर मैंने सोचा कि इसे पूरा प्रोफेशनल तरीके से एडिट किया जाएगा। मैकबुक के लिए सबसे एडवांस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है फाइनल कट प्रो, तो मैंने वही इंस्टॉल कर लिया। फिर सारे वीडियोस अंदर लाके उन पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ वीडियोस को कट करना था, उसके ऑप्शंस सर्च किए, कहीं सॉन्ग ऐड करना था, वॉल्यूम कम करना। बेसिकली मैंने अप्रोच ऐसा लिया कि जिस जिस फंक्शन की मुझे ज़रूरत पड़ रही थी मैंने एक एक करके गूगल या यूट्यूब से वो सब सीखता गया। एक दिन में मुझे लगभग 10 नई चीज़ें मिली सीखने को। वीडियो हर दिन बेटर होता जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पोर्ट्रेट में अगर वीडियो बनाया है तो उसके लेफ्ट और राइट में ब्लैक पोर्शन काफ़ी था, तो सोचा उस पर क्या किया जा सकता है। फिर टेक्स्ट और इमेजेस से उस एरिया को पूरा कंप्लीट किया। फोटोशॉप मुझे बहुत अच्छे से आता था और इसका फ़ायदा मैंने वीडियो एडिटिंग में पूरा उठा लिया। तो ऐसा ही करते करते अराउंड 10-12 दिन के बाद वीडियो जाकर रेडी हुई एंड दिस वीडियो वॉज डैम गुड। जिसने भी वीडियो देखी सबको अच्छी लगी। टेक्स्ट, म्यूज़िक और क्लिप्स का अरेंजमेंट इतना सही था कि वीडियो का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता, बट हाँ, उन 15 दिनों में जो एडिटिंग सीखी उसी एडिटिंग की वजह से आज मैं इस चैनल पर वीडियोस बना पा रहा हूँ। उन 15 दिन में मेरे पास एक मोटिव था, एक टाइम लिमिट थी, फ्रेंड के लिए बना रहा था तो मेरा मन भी काफ़ी अच्छा लगा, बाकी लोगों ने भी हेल्प की, अप्रिशिएट किया। कंक्लूजन ये है कि किसी सॉफ्टवेयर को सीखने के 2 तरीके हैं, या तो ABCD से स्टार्ट करो, हर फीचर के बारे में जानो, फिर उनको कैसे यूज़ करना है वो सीखो, या फिर डायरेक्ट उस पर काम करना चालू कर दो, फिर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाए उसको सीखते जाओ, क्योंकि ऐसे में आपके पास हर फीचर को सीखने का एक रीज़न होगा और आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था, आप भी सुनो। Teach problem solving or teach to the problem, not to the tools. Mm-hmm. So this would be like, let's say, you're trying to teach people about how engines work, or you know, you could start by a more traditional approach would be to say, well, we're going to teach you all about screwdrivers and wrenches, and you're going to have a course on screwdrivers, a course on wrenches, and all these things. And it's this is a very difficult way to do it. A much better way would be like, here's the engine. Now let's take it apart. How are we going to take it apart? Oh, you need a screwdriver. That's what the screwdriver is for. You need a wrench. That's what the wrench is for. And then a very important thing happens, which is that the relevance of the tools becomes apparent. So, मैं हर चीज को इसी तरह से सीखता हूँ। अभी मेरा मन After Effects सॉफ्टवेयर में लगा हुआ है। जल्दी आपको मेरे वीडियोस में थोड़ी अपडेट दिखेगी। वीडियोस और बेटर बनेंगे। मेरे पास आज भी एक रीज़न है मेरी वीडियोस को और ब्यूटीफुल बनाना, तो मैं कर पा रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ सबके पास मैकबुक नहीं है, विंडोज़ ज़्यादा फेमस है, इसलिए लोग विंडोज़ लैपटॉप परचेस करते हैं। लेकिन फिर भी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट कर सकते हो। विंडोज़ के लिए बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एडोबे प्रीमियर प्रो। चाहो तो आप भी इसे सीख सकते हो सिर्फ 15 दिन में। तो ये थी मेरी स्टोरी, कैसे मैंने 15 दिन के अंदर फाइनल कट प्रो सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।